एक दिवसीय सक्रिय प्रदर्शन एवं महाबंध का आह्वान सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ एवं अधिकारी कर्मचारी जनजाति विकास संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को वर्तमान छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने जनसंख्या के अनुपात में मिलने वाली 30% आरक्षण को 50% से अधिक मान करके 12% आरक्षण कम करने के विरोध में पूरे आदिवासी समाज ने पूरे छत्तीसगढ़ में एकता दिखा करके अपने संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने की उसकी मांग के लिए संघर्ष करने के लिए आज दिनांक 10/10/2022 को ब्लॉक स्तरीय धरना सभा कार्यक्रम विकास पड़रापुर के मुख्यालय लतरापुर में आयोजित हुई है। इस आयोजन में सर्व आदिवासी समाज के सभी छत्तीसगढ़ के 42 जातियां या विभिन्न प्रकार की 42 जातियां हैं, वो 42 जातियां एकजुट होकर के पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ अपने संवैधानिक अधिकार के मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना का आह्वान करते हुए आप सब पूरे बड़े राजपुर ब्लॉक के सारे आदिवासी समुदाय के लोग एक एक होकर के एक मंच में स्थान में उपस्थित होकर के संवैधानिक अधिकार की मांग के लाभान्वित हुए हैं। मैं आप सभी को अपने अधिकार के हक के संवैधानिक मांगों को लेकर के जो धरना दे रहे हैं तमाम क्रांतिकारियों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पानी गिर रहा था, अब बाकी हमारे कुछ भाई लोग लड़ाई की तरफ दौड़ रहे थे। ऐसी लड़ाई लड़ोगे हैं? अगर सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो क्या घर भाग जाओगे? हमारे भाई कुछ लड़ाई की तरफ दौड़ रहे थे, पानी गिर रहा था, सोचे लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे? आपको एकजुटता होकर के संगठित होकर के लगातार आपको संघर्ष करनी होगी, और वो संघर्ष आज आप इस मंच में बैठ करके इस मैदान में इस रावण भाटा मैदान में बैठ के आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आपके आने वाले बच्चे, आपके नाती पुती, आपके भविष्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो आरक्षण यहाँ पे ले रहे हैं आप सब लोग, वो सारे आरक्षण जो है हमारे इधर फूफू बन के आज बैठे हुए हैं, शहीद बुद्धा राव, शहीद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, जिनके लड़ने से इस भारत के संविधान में आपको आर्टिकल 356-350 और 333-334 आर्टिकल में आपको भारत के संविधान में आरक्षण दिया है। वो आप नहीं लड़े हैं, इस मंच में जितने लोग बैठे हैं, इस मंच के सामने बैठे हैं, इधर सारे कर्मचारी बैठे हैं, इधर सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इधर सारे स्कूल वाले बच्चे बैठे हैं, वो आप सब नहीं लड़े हैं संविधान का आरक्षण को बचाने के लिए। वो आपके पूर्वज, आपके बाप दादा लोग पूर्व समय में अंग्रेज जमाने से लेकर के भारत सरकार बने 1950 में तब से लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ा है, तब जाकर के आपको आज 32% आरक्षण भारत के संविधान में 36 शासन में आपको दे के रखी थी। आप सोचते होंगे कि आपने लड़ा है, आप नहीं लड़े हैं, आपके परदादा तो बुजुर्ग लड़े हैं, आपके पूर्वज लड़े हैं, और वो दिन आ गया है कि अगर आपके आने वाले बच्चे भी अगर आरक्षण का फायदा लें, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ सके, आपके बच्चे को भी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, आपके बच्चे को भी रोजगार मिल सके, आपको भी सरकार की योजना मिल सके, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आज आपको लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चे को ये सुविधाएं जो आज मिल रही थी वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आरक्षण का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। आरक्षण क्यों चाहिए आपको? किसने आरक्षण चाहिए? आरक्षण क्यों चाहिए? क्या करोगे आरक्षण लेकर के? आरक्षण की जरूरत आदिवासियों को क्यों है? ये सबसे बड़ी सवाल है।
क्यों है आदिवासियों को आरक्षण की जरूरत? क्या सिर्फ आदिवासी लोग आरक्षण की जरूरत है? बाकी लोग इस दुनिया में नहीं रहते? रहते हैं, लेकिन उन लोग आरक्षण की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? और सिर्फ आदिवासी ही आरक्षण की मांग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आरक्षण की मांग? मुझे तो समझ से परे है। ये करीबन 2-3 घंटे से बंद चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं 32-35 आरक्षण देना होगा, आपको आरक्षण लेना होगा। क्यों भाई, क्या करोगे आरक्षण को? भात खाओगे, पानी पियोगे, क्या करोगे आरक्षण को? नहीं पता कि समझ से परे है क्या आरक्षण क्या होता है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आरक्षण क्या होता है बच्चे बताइए, आप सारी स्कूल में पढ़ने वाले, आरक्षण क्या होता है? आरक्षण क्या है? आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इस मंच में बैठे थे मंचा जी और सारे लोगों से समाज से, आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। बोलिए सभी लोग, आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। इस भारत देश में हम भारत देश के मूल निवासी हैं, इसी देश में हम पैदा हुए और इसी देश में हम अपना जीवन जी रहे हैं। इस देश में हमारे सारे सुविधाओं का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, ना कि आरक्षण की लड़ाई है। आपको समझना होगा, आरक्षण नीति कहता है आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? पिछली सरकार ने आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगर सरकार चाहे तो उस आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर सकती है। मैं कहता हूं इस संविधान में हमें आरक्षण की बात नहीं करना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 ये कहता है कि आरक्षण के साथ आपको प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। सिर्फ प्रतिनिधित्व का, आप उस देश में प्रतिनिधित्व करेंगे, ना कि गुलाम बन के रहेंगे। आरक्षण मतलब होता है रोटी लेना। रोटी मतलब भिखारी को रोटी देते हैं, भाई जब तू भूखा है ये 10 से रोटी खा, ये आरक्षण है। हमको आरक्षण नहीं चाहिए इस भारत देश में, हमको प्रतिनिधित्व चाहिए। हम हर स्तर में प्रतिनिधित्व करेंगे। हमको प्रतिनिधित्व का मतलब होना चाहिए, विधानसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, दिल्ली के लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भारत सरकार के सारे मंत्रालय में हमारे प्रतिनिधित्व होना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार के सारे मंत्रालय में हमारे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व मतलब होता है आपकी सम्मान की जिंदगी। प्रतिनिधित्व मतलब होता है आपकी सम्मान की जिंदगी। जी जमीन पे आप पैदा होने जी रहे हो, वहां पे आपको इज्जत से जीने का अधिकार होना चाहिए। ये है प्रतिनिधित्व, ना कि आरक्षण। आरक्षण मतलब पाले हुए कुत्ते को रोटी देना होता है। इसलिए हमारी मांग, हमारा अधिकार सिर्फ आरक्षण तक नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए प्रतिनिधित्व। हम इस देश में प्रतिनिधित्व करें, हम इस राज्य में प्रतिनिधित्व करें, हम अपने गांव में प्रतिनिधित्व करें। ये है प्रतिनिधित्व की लड़ाई। साथियों आपको समझनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे मजदूर, किसान, गरीब, अमीर, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्कूल बच्चे, सारे लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। सिर्फ प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, ना कि आरक्षण की लड़ाई। आपको समझनी होगी वो प्रतिनिधित्व क्यों और किस लिए चाहिए, और आरक्षण क्यों और किस लिए चाहिए। अभी आप लोग को पता होगा, पिछले 25 तारीख को बीएससी का एक लोक सेवा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा उन्होंने एक सरकारी नौकरी के भर्ती के लिए एक व्यापक निकाला था, और वो था मंत्रालय की चपरासी की भर्ती। क्या क्या भर्ती था? मंत्रालय की चपरासी की भर्ती था, उसको कहते हैं वर्ग चतुर्थ, चतुर्थ वर्ग की भर्ती था। और एग्जाम कौन लिया? बीएससी। बीएससी मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जो तहसीलदार की भर्ती करता है, जो डिप्टी कलेक्टर की भर्ती करता है, जो डीएससी की भर्ती करता है, वो आज 2022 में चपरासी की भर्ती करने से शुरू कर दी।
अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि अगर पीएससी लोक सेवा में भर्ती करना छोड़ के चपरासी की भर्ती करेगा प्रदेश स्तर में, तो वो दूर दराज में रहने वाला कोंटा का आदिवासी जो पांचवी नहीं पढ़ा है, जो आठवीं नहीं पढ़ा है, जो दसवीं नहीं पढ़ा है, जो स्कूल नहीं गया है, जो कॉलेज नहीं गया है, क्या वो पैसे पीएससी का लोक सेवा परीक्षा दे पाएगा? इसका मतलब क्या है? आप उस भारत के अंतिम छोर के छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के आदिवासी को आप भारत की छत्तीसगढ़ के विकास की मॉडल से दूर छोड़ रहे हो। मतलब आप छत्तीसगढ़ के विकास के साथ आदिवासी को नहीं जोड़ रहे हो। आपको समझनी होगी। मैं आपके बच्चों से पूछता हूं, यहां बैठे हैं क्या आप किसी विश्रामपुर के हाई स्कूल में पढ़ के जो सेंट माइकल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हो ग्रामीण बोले बोला कर पाओगे? आपकी शिक्षा व्यवस्था सुंदर है, आपके पास लाइब्रेरी है, ट्यूशन क्लास है, अच्छे टीचर है? नहीं है। तो ये बच्चे रायपुर के बच्चे के साथ कैसे कंपटीशन करेंगे? नहीं कर सकते। और सरासर आरक्षण अधिनियम 1950 आरक्षण अधिनियम 1950 आपके बस्तर संभाग में लागू नहीं होता, इस बात को आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 ए के पैरा 5 के पैरा 1 लिखा हुआ है। वो कहता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारत का और छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण रोस्टर पद्धति है वो भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में लागू नहीं होता। इस बात को आपको समझना चाहिए। और हमारे सारे जितने भी एमपी एमएलए और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको समझना चाहिए। मैं इसी बात को सुन रखा था, क्या आप रायपुर के बच्चे के साथ आपके बच्चे कंपटीशन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए इस व्यवस्था में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व का अवसर देना चाहिए। किसके अनुपात में? जोर से बोलेंगे, किसके अनुपात में? जनसंख्या। किसके अनुपात में? जनसंख्या। और आपका बिलासपुर का सुप्रीम कोर्ट कहता है 9/9/2022 को कि आपके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने 58% रिजर्वेशन देकर के रिजर्वेशन रूल्स के खिलाफ गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, क्या वो हाई कोर्ट ने जो संविधान पीठ को सुनता है वो हाई कोर्ट ने क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 ए के पैरा 5 के उपपैरा 1 को क्या वो अध्ययन किया? क्या वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 332 और अनुच्छेद 14 और 15 और अनुच्छेद 13 का क्या उन्होंने अवलोकन किया? क्या वो हाईकोर्ट ने जनसंख्या के मापदंड के अनुपात को अध्ययन किया? नहीं किया। और नहीं करने के कारण उन्होंने एक तरफा फैसला सुना के कह दिया कि छत्तीसगढ़ में 50% से अधिक किसी समाज को रिजर्वेशन मतलब आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ आपको, अनुच्छेद 30 और 32 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 और 32 में कहीं भी नहीं लिखा है कि आदिवासियों की आरक्षण जो है वो 32% से कम होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। वो कहता है संविधान कहीं भी नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 50% से कम आरक्षण नहीं होगा या 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। 330 और 332 पढ़ लीजिए। वो संविधान कहता है कि राज्य के जनसंख्या के अनुपात में जिस समाज की जितनी जनसंख्या होगी, मतलब अनुसूचित जातियों की जितनी जनसंख्या होगी उतनी जनसंख्या के अनुपात में जितना प्रतिशत होगा उस प्रतिशत के कुल छत्तीसगढ़ के जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों की जितनी जनसंख्या होगी उतनी जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देना होगा। 50% क्राइटेरिया संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। वो सिर्फ लिखा है कि दिल्ली के
सुप्रीम कोर्ट ने जब 2005 में आरक्षण नीति के द्वारा फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी समुदाय के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या आपके छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ऊपर है? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ऊपर है? नहीं है। आपकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 32% है। कितना है? कितना है? कितना है? कितना में? 100 में। कितना में? कितना में? आरक्षण का टोटल कोटा कितना होता है? 100% होता है। आरक्षण का टोटल कोटा कितना होता है? 100 होता है। 100 का कोटा होता है। 100 कोटा में 50% जो है किसी एक समुदाय से अधिक नहीं किया जाएगा, ये कहता है। किसी समुदाय को 50% से अधिक आरक्षण किसी समुदाय को नहीं किया जा सकता, ऐसा कह रहा है, ना कि 50% से कम। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपकी जनसंख्या कितनी है? 32%। आरक्षण की कोटा कितना कहता है? 50%। और छत्तीसगढ़ में आरक्षण की रोस्टर कितना है? 100%। आदिवासियों का 32, एससी का 14, ओबीसी का 27, टोटल कितना हुआ? कितना हुआ टोटल? काउंट करो, कितना हुआ? 32, 14 और 27 कितना हुआ? कितना हुआ? 73, मतलब 25 से कितना है? अधिक है। आपको 72% रिजर्वेशन देने का अधिकार नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट कहता है। लेकिन यहाँ भी ये कहता है आर्टिकल 342, आपको जनसंख्या के अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, ये बात कहता है। अगर किसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ये कह दिया कि 50% से आपका अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, तो आप तमिलनाडु, आंध्र, केरला और कहा कर्नाटक में उन्होंने बिल पास किया है, और कर्नाटक सरकार ने बिल पास करके बोला कि मैं 58% रिजर्वेशन दूंगा। उस संसद में सॉरी विधानसभा में उन्होंने बिल पास किया, और बिल पास करके उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रपति को उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा है कि आप कर्नाटक में 58% रिजर्वेशन होगा, इस बिल को हम कैबिनेट में पास करते हैं और भारत के आप 9वीं अनुसूची में जोड़िए और कर्नाटक के आदिवासियों को 58% रिजर्वेशन दीजिए। ये उन्होंने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है, जबकि यही काम छत्तीसगढ़ के सरकार को भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा में अध्यादेश लाना चाहिए था। क्या लाना चाहिए था? क्या लाना चाहिए था? इमरजेंसी विधानसभा बुला लाना चाहिए था, अध्यादेश लाना चाहिए था, और उस अध्यादेश में विधानसभा में बिल पास करना चाहिए था कि आदिवासियों की 32% आरक्षण होना चाहिए और एससी की 14% होगा और ओबीसी की 27% होगा। बिल पास करके उस बिल को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रपति को भेजना चाहिए था, राज्यसभा को भेजना चाहिए था, लेकिन हमारी वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा काम नहीं किया और आदिवासियों के विरुद्ध काम किया। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, अभी तक कोई भी सभा का आयोजन नहीं करवाया, अभी तक कोई भी विधानसभा बुलावा नहीं किया, अभी तक कोई भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। ये हमारे छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार की ये दुर्गति रही है। आज आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है। मैं आप दूसरे तरीके से ये भारत के संविधान को हम एक ही तरीके से मान करके हम एक ही मांग कर रहे हैं। आज कौन सी मांग कर रहे हैं हम लोग? आज कौन सी मांग कर रहे हैं? जोर से बोलेंगे, कौन सी मांग कर रहे हैं? बोलने में भी शर्म आ रहा है लगता है। किसकी मांग करने बैठे हैं? थोड़ा जोर से नारा लगाएंगे। किसकी मांग कर रहे हैं? और जोर से किसकी मांग कर रहे हैं? कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? कौन से स्तर में? राज्य स्तर में? कौन से स्तर में? कौन से स्तर में?
चलिए ठीक है, आप लोग 32% आरक्षण राज्य स्तर पर मांग कर रहे हैं, मैं मांग लेता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों की जनसंख्या है। मेरा दूसरा सवाल है आप सभी से, आज से पहले यहाँ पे हमारे बहुत सारे शिक्षक करके बैठे हैं, आज उनका सही शिक्षक या शिक्षक की पोस्ट में पदोन्नति होगी। यहाँ पे कितने बैठे शिक्षक करके, थोड़ा हाथ खड़े करके भाई, भाई शर्माइए नहीं, हाथ खड़े करके, कितने लोग बैठे हैं शिक्षक कर्मी, जो शिक्षक है वर्तमान में, जो शिक्षक कर्मी से भर्ती होकर के आज शिक्षक बने हो, कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? ये देखो भाई, समाज में देखो, हमारे समाज के लोगों को इतना शिक्षा चाहिए, इधर दो तीन लोग हैं, इधर खड़े हैं दो तीन, हमारे बैंड बैठे दीदी बैठे, लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने चेहरा रख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है बहुत सारे चेहरा का शिक्षा चाहिए, क्योंकि चेहरा हाथ क्यों खड़े नहीं हो रहे भाई, शरम आ रहा है शिक्षा चाहिए बोलने में, या शिक्षा बोलने में शरम आ रही है? एक ही पूरे अकेले इधर चिल्ला रहा है शिक्षक है, इनको पूछिए पर काम किया है, पक्के पर किया है, इधर हमारे दीदी लोग बैठे हैं, जब इनकी शिक्षा करके नियुक्ति हुई, जब पहली शिक्षा करके भर्ती हुई, उस समय पहला शिक्षा करके भर्ती कौन किया हुआ था इनका, सबसे पहला शिक्षा करके भर्ती कौन किया? आपके गांव की ग्राम पंचायत सबसे पहले शिक्षा करके भर्ती कौन किया है? आपके गांव की ग्राम पंचायत वर्ग 3 की शिक्षा करने की भर्ती की है, वर्ग 2 की भर्ती कहां पे हुई है आपकी? इधर बैठे हुए बगल में अंजनी नेता जी, इधर बैठे हैं, जिस समय शिक्षा करने भर्ती हो रही थी उस समय आप जनपद के उपाध्यक्ष थे और शिक्षा समिति के आप सभापति थे, अध्यक्ष शिक्षा समिति के, वर्ग 2 की भर्ती अंजनी नेता जी के कार्यकाल में वर्ग 2 की शिक्षा करने भर्ती जनपद पंचायत में होती थी, और वर्ग 1 की भर्ती आपके इधर जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, वो जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, वर्ग 1 शिक्षक की भर्ती जिला पंचायत में होती थी आज से 10 साल पहले, वर्ग 3 की भर्ती कौन करता था? आपके ग्राम पंचायत, वर्ग 2 की कौन भरता था? आपकी जनपद पंचायत, वर्ग 1 की भर्ती कौन करता था? आपके जिला पंचायत, आज कौन भर्ती कर रहा है? छत्तीसगढ़ व्यापम कर रहा है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? व्यापम कर रहा है, मतलब आपकी शिक्षक की भर्ती, आपके गांव का कुर्सी की भर्ती, आपके गांव का पटवारी की भर्ती, आपके गांव के पुलिस करने की भर्ती, आपके गांव के पिट गार्ड की भर्ती, आपके गांव के कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती, आपके गांव के चपरासी की भर्ती आज छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार कर रही है, जिसको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत करती थी, आपके अधिकार का क्षेत्र करके आज व्यापक कर रही है। कौन से नियम के तहत, कौन से नियम के तहत, कभी आपने पूछा? कभी आपने पूछा? पूछे कभी? पूछे कभी? नहीं पूछे, क्यों भाई? आप एक ही बात कर रहे हैं, दूसरी बात आप बोल रहे हैं, कौन सी मांग, कौन सी मांग? ये भारत के संविधान के पन्ने को आपको पलट के पढ़ना चाहिए। आप यहाँ जितने जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि भारत के संविधान को गांव का दूर आदमी जो किसानी करता है, जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, जो अनार क्या नहीं जानता, जो एबीसीडी नहीं जानता, जो 1-2-3 गिनने नहीं जानता, वो क्या पढ़ेगा संविधान? वो क्या पढ़ेगा कानून? वो क्या पढ़ेगा अधिकार? ये संविधान किसको पढ़ना चाहिए? आप लोग बोलो किसको पढ़ना चाहिए? बच्चे बताइए किसको पढ़ना चाहिए? पढ़े लिखे लोगों को किसको पढ़ना चाहिए? किसको पढ़ना चाहिए? आप लोग बताइए संविधान किसको पढ़ना चाहिए? अरे बोलो भाई किसको पढ़ना चाहिए? पढ़े लिखे लोगों को पढ़ना चाहिए। आज कह रहे हो ना आरक्षण की बात, आरक्षण 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 देकर के आपको पहले प्रतिनिधित्व देकर के ये बोला, ये संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों को नहीं धोखा दिया है, गलत बात मानना, मैं सही बोल रहा हूँ, सच्ची बात है, सच्ची कड़वा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि मैं संविधान में तो उस बात को लिख दिया हूँ कि सारा आदिवासी का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर के जितने भी खेती किसानी मजदूरी जो भी होगा, वो सारी बातें मैं इस किताब में लिख दिया हूँ, लेकिन सवाल है कि
अगर जो पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति होगा जो आरक्षण के दम पे वो जनप्रतिनिधि बनेगा, आरक्षण के दम पे पढ़ाई लिखा करके नौकरी करेगा, उसको पहली दायित्व देता हूँ वो इस संविधान के मतलब जो आरक्षण में नौकरी करेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा, शिक्षक बनेगा या रोजगार पाएगा, उसकी पहले जिम्मेदारी होगा कि वो समाज से जो पाएगा उसको वापस समाज में देके आएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और इसीलिए वो रिजर्वेशन की बात की थी, इसीलिए उन्होंने प्रतिनिधित्व का बात की थी और उन्होंने इसीलिए एक शब्द में कहा था पे बैक टू सोसाइटी टाइम टैलेंट ट्रेजरी। जब लोग बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी टाइम टैलेंट ट्रेजरी ये कितने किसके पास है, टाइम टैलेंट और ट्रेजरी कितने पास के पास है? टैलेंट सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास है, टैलेंट सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास है और ट्रेजरी मतलब पैसा, ट्रेजरी मतलब पैसा जिसके पास है, जो आपके समाज में लोग नौकरी करते हैं उनके पास पैसा है, उनके पास समय है, उनके पास शिक्षा और ज्ञान है, ये आप पाओगे तो आरक्षण से बदल पाओगे और उस बात को समाज में जाकर वापस होगी, ये बात आपको समझ आएगा। लेकिन संविधान कहता है कि आप समाज में अगर आरक्षण से बदलाव चाह रहे हो तो आपको बोला था कि सोसाइटी मतलब आपको जो अधिकार मिला है उसको आप जब आपके पास पैसा होगा, समय होगा, शिक्षा होगा तो आप समाज को वापस दिलाओगे। कितने लोग कर रहे हैं समाज का, कितने लोग जागरूक कर रहे हैं संविधान का, समाज को कितने लोग बता रहे हैं? किसी ने नहीं। ये सच बात है, लोगों को कड़वे जरूर लगेगी। जब गुरुजी भर्ती की बात आती है तो सब लोग आरक्षण के कोटे में अपना फार्म भरते हैं, पटवारी की भर्ती होती है सब लोग आरक्षण के कोटे में फार्म भरते हैं, किसी ने जनरल कोटे में फार्म भरा नहीं भरा, क्योंकि पता है कि जनरल कोटे में हम फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिजर्वेशन कोटे में आवेदन डालते हैं। जब आप रिजर्वेशन से फायदा ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप उस आरक्षण से पाए हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान और पैसा को आप वापस समाज को दोगे ताकि आपके आने वाली पीढ़ी भी इस संविधान का लाभ ले सके। लेकिन किसी ने नहीं दिया, ये दुर्गति की बात है। इसलिए आज आपको ये नहीं होने के कारण आज इस मंच पर बैठ के आपको 32% से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम खुद ही संविधान के अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। और दूसरी बात, आप सिर्फ 32 मत कहिए, आप कौन से ब्लॉक से आए हैं? सब लोग कौन से ब्लॉक से आए हैं? कौन से जिले से आए हैं? कौन से संभाग से आए हैं? आपको पता है कि कोंडागांव जिला में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? 70%। कोंडागांव में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? 70%। ये संविधान कहता है 244(1) जब भी आपकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की भर्ती होगी वो छत्तीसगढ़ स्तर में नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्तर में होगा तो आपको मात्र 32 लोगों को मौका मिलेगा। कितने लोगों को? कितने लोगों को? अगर तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती आपकी जिला स्तर में होगा तो आपको कितने परसेंट रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? 70%। आप कितने परसेंट की मांग कर रहे हो? 32 सिर्फ आपको कहां पे फायदा देगा? 32 आपको विधानसभा लोकसभा सॉरी विधानसभा में देगा, 32% आपको पीएससी लोकसभा में देगा, 32% सिर्फ आपके छत्तीसगढ़ सिविल सेवा में देगा, 32% सिर्फ आपको मेडिकल सीट में देगा, 32% सिर्फ आपको इंजीनियरिंग में देगा और बाकी चतुर्थ श्रेणी के जब सिविल सर्विस की बात आएगी तब कितने देगा? आप लोग आरक्षण की गणना गलत तरीके से कर रहे हो, आप आरक्षण की गणना करने आना चाहिए, वो दूसरे तरीके से करने आना चाहिए, वो आपको मांग करना चाहिए कि जब सिविल सेवा की भर्ती होगी तो 32 की होगी, लेकिन जो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जब भर्ती होगी तो कहां पे होगी? संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पे होगी। इस मांग को आपको 100% रिजर्वेशन की बात की गई है। आपको 100% रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कि 32 में घुसो, 32 में घुसो। अगर आप 32 की मांग करोगे तो कोंडागांव में जो 84 भर्ती होगा
कोंडागांव के चपरासी भर्ती मात्र आपके बच्चे 32 लोग नौकरी पाएंगे और कितने लोग बच्चा कितना बच्चा कितना अड़सठ पॉइंट पाएंगे तो रायपुर वाला क्योंकि अभी हुआ ना आउटसोर्सिंग की भर्ती नर्सों में आउटसोर्सिंग की भर्ती शिक्षकों में आउटसोर्सिंग की भर्ती इसलिए तो आपको अभी कौन सी भर्ती करवा रहा है शिक्षक में जब शिक्षक की कमी है तो आपको ट्यूटर में शिक्षक से क्यों पढ़ा रहा है वो किसका है आउटसोर्सिंग का है अभी स्कूल में बच्चों की कमी है वहां पे गेस्ट टीचर के रूप में आपको पढ़वा रहा है जब गुरुजी जी नहीं है तो आपको भर्ती करने की जरूरत है ना भाई गेस्ट टीचर क्यों पढ़ा रहे हो ट्यूटर क्यों पढ़वा रहे हो ये आपकी आउटसोर्सिंग के मापदंड को लाता है और आरक्षण दूसरी तरीके और मैं बताना चाहूंगा कि आपको आरक्षण के लिए नहीं लड़ना चाहिए आपको प्रतिनिधित्व के लड़ना चाहिए वो क्यों लड़ना चाहिए क्योंकि मैं पहली बात अभी दिया था मान के चलो एग्जाम्पल में इसमें दो शब्द लिखा हुआ है भारत संविधान में अगर आरक्षण सिस्टम चालू होगा अगर छत्तीसगढ़ की व्यापक अधिनियम अगर कोई शासकीय सेवा की भर्ती करेगा तो शासकीय सेवा की भर्ती करेगा तो छत्तीसगढ़ 32% देगा और संभाग स्तर में संभाग स्तर में 84% देगा और जिला स्तर में 70% रिजर्वेशन देगा कितना परसेंट 70% की आपको मांग करना चाहिए क्योंकि 32 के चक्कर में आपका 70% का नुकसान हो रहा है इस बात को आपको समझना चाहिए क्योंकि आपका व्यापन जो है छत्तीसगढ़ व्यापन जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1)(5) (1) के तहत व्यापक अधिनियम आपके बस्तर संभाग में लागू नहीं होता इस बात को आपको जानना चाहिए अगर लागू होगा तो आपका अपवाद और रूपांतरण के अधीन रह रहे हुए लागू होगा किसके तहत लागू होगा अपवाद और रूपांतरण अपवाद भी सुने हो उपांतरण का भी सुने हो नहीं सुने हो तो सुन लो अभी आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में आपके गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे बारह पास हर गांव में मिल जाएंगे कॉलेज वाले हर गांव में मिल जाएंगे लेकिन आपके बच्चे के पास क्या बीएड और बीएड की डिग्री है नहीं है क्या आपके बच्चे के पास जो शिक्षाएं शिक्षा